क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, सबों को जय यीशु। हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु का प्यार भरा आशीर्वाद हम सबों के साथ सदा बने रहे। चमका सितारा कार्यक्रम में आप सबों को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज दिसंबर महीना का 10वां तारीख है। आज हम विशेष करके हमारा पाप आलस्य यानी लेजीनेस, हमारे आलसीपन को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। आज के लिए वचन यह है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 11। आप लोग अतः परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। आप लोग अतः परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। हम जब आलसी रहते हैं, बहुत कोई है जो सोने के लिए, सुस्त से सोने के लिए इच्छा करते हैं। जो आलसी है काम करने से या काम चोर बनते हैं। बहुत बार ये आलसी के कारण जो कार्य दूसरों को या मदद जो हम दूसरों के लिए करना है वो हम नहीं करते हैं। आलसी के कारण हम लोग अपना जो कर्तव्य है, जो हमें सौंपा है, वो पूरा नहीं करते हैं। बहुत कोई आलसी के कारण कामचोर बन जाते हैं और हमारा जो उत्तरदायित्व तो समय पर ठीक से नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। जो अच्छाइयां हमें, जो खूबियां प्रभु हमें दिए हैं, उसको जब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं आलसी के कारण, तो हम बड़ा अपराध हम लोग कर जाते हैं। आज हम हमारे इस सुस्तीपन को, आलसीपन को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। जो लेजनेस हमारे अंदर में पड़ा हुआ है, जिसके कारण हम खुद सुस्त रहने के लिए चाहते हैं, दूसरों को मदद करने में आगे नहीं आते हैं। जब दूसरे लोग बीमार हैं, वे लोग कुछ मुसीबत में पड़े हैं, हम हाथ बटाते नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं, अगर तुम जब ये दानों में से किसी के लिए भी कुछ भी करते हो, वो तुम मेरे लिए किया है। हम कितने अवसर इस तरह खो चुके हैं हमारे आलसी के कारण। आज हम प्रभु से माफी मांगे और साथ साथ हम हमारे ये आलसीपन को, आलसी या हमारे ये लेजीनेस को प्रभु के हाथों में तोहफा के रूप में सदा के लिए प्रभु को जड़ से निकाल के हम लोग दे देंगे। और वही वचन प्रभु हमारे अंतर रोपने के लिए हम 33 बार इस वचन को हम लोग दोहराते हैं। Letter to Romans, St. Paul's letter to Romans, chapter 12, verses 11. 12, अध्याय 12, वचन संख्या 11. आप लोग अतः परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। हम उत्साह पूर्वक, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे लिए कितने दिन बाकी है कि हम उनकी सेवा उत्साह पूर्वक हम कर सके। हम परिश्रम सदा रहे, जागरूक रहकर हम तैयार करें। आइए मां मरियम और संत यूसुफ के साथ साथ हम तैयारी जारी रखें और हम तीन प्रणाम मरिया प्रार्थना करते हुए हमारे ये तोहफा प्रभु को दे दें। तोहफा यानी हमारे आलसीपन, और ये वचन हम लोग 33 बार दोहराएंगे। ये वचन हमारे अंतर कार्य करे। साथ साथ आज हम लोग प्रभु यीशु को छोटा सा प्यारा सा एक मोजा, एक नहीं दो मोजा प्रभु यीशु के लिए हम लोग गिफ्ट में, विशेष गिफ्ट है ये, हम दे देते हैं। आइए भाई और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अत परिश्रम करें और प्रभु के ये जन्मदिन मनाने के लिए हम सदा तैयारी करें। मिलते हैं हम कल। धन्यवाद।